भगवान शंकर का संवाद कर रहा। देवराज ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा जरूर है, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म जरूर हुआ, पर ब्राह्मण कुल से वो वंचित है। ना वेद पढ़ना, ना शास्त्र पढ़ना, ना भगवान का भजन करना, ना कीर्तन करना, ना मंत्र जाप करना, ना स्मरण करना। कभी किसी मंदिर में जाकर एक दिया तक देवराज ब्राह्मण ने नहीं लगाया। फिर भी चोरी का धन लेकर आ रहा था, चोरी का सामान लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को ले जाकर मंदिर में लेकर छुपाकर बैठ गया जहां एक ब्राह्मण देव शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे, एक ब्राह्मण जहां शंकर भगवान की कथा का वाचन कर रहे, वहां बैठ। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार था, और जब शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार पड़ रहा था, शरीर ठीक नहीं था, तब ब्राह्मण देवता बार बार चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। इसको बड़ा क्रोध आ रहा था, इसको बड़ा क्रोध आ रहा था, और उस क्रोध के कारण ये वहां से निकलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर जैसे ही बैठा, शरीर में कष्ट होने के कारण इसके प्राण छूट गए। यम के दूत इसको बंदी बनाने के लिए आ गए, और जब यम के दूत इसको बंदी बनाने के लिए आए, तो इतने में देवादिदेव महादेव के गण भी वहां आकर खड़े हो गए। यमदूतों के साथ इसको ले जाने नहीं, यमदूतों के साथ इसको ले जाने नहीं दे रहा, कारण इसने शंकर भगवान के गणों से पूछा कि मैंने जिंदगी में केवल पाप करा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, ना रामायण पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, ना शिवपुराण, ना कभी एक दिया लगाया, ना कभी भजन करा, ना कभी कीर्तन करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी नाम जाप करा, तो फिर आखिर मैंने पुण्य कौन सा करा जिसके कारणवश मुझे भगवान शंकर का धाम मिल रहा है, शिव का लोक मिल रहा है, शंकर की चौखट मिल रही है। आखिर मैंने करा क्या है? शिव गणों ने कहा, तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारी माता ने एक लोटा जल जो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया था, बस उसी जल का पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। एक बात आपको पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, सारे पुराण शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि इसको सुनने से सात पीढ़ी तर जाती है, ऐसा करने से सात पीढ़ी तर जाती है, केवल शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा ये कहती है कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला या शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले की सात पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है, ये शिव तत्व। और कितना एक कथा सुनने के लिए बहुत घनी आबादी में आप लोग बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, कथा सुनने के लिए आप देखा जाए तो जो शंकर जी का मंदिर एकांत में है कोटेश्वर, एकदम अलग जंगल में आनंद के साथ मेरे महादेव
विराजमान है ऐसे देव अधिदेव महादेव की एकांत में, आपको पहले भी कथा में कहा, जहां बाबा आराम से बैठे हो और वहां यीशु महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो अपने दिल की बात भी कहकर जाना, वो दिल से दे भी देगा, दिल से कहो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागे, बाबा डोर हटो छड़ी ला मैं कटली जावा। अब दिल से कहो, देवराज भगवान का भजन कर कर आनंद पाकर शिव धाम को चले गए। शिवजी पर चढ़ाने वाली वस्तु, शिवजी को समर्पित करने वाली वस्तु, शंकर भगवान को देने वाली वस्तु अपनी खुद की हो। पहले के लोग क्या करते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर का ही जल भरकर शिवजी को चढ़ा देते थे। अब आप लोग मंदिर का जल लेते हो क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं लेते। कहां से लेकर जाते हो? अपने अपने घर से लेकर। कारण क्या है? वास्तु दोष होता है तो घर में होता है, पितृ दोष होता है तो घर में होता है, काल सर्प दोष होता है तो घर में होता है। घर के हंडे में से, मटके में से, परिंडे में से जब हम एक लोटा जल लेकर जाते हैं और शिवजी को समर्पित करते हैं, तो अपने घर के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल जल समर्पित कर देने पर, केवल जल चढ़ा देने पर सारे दोष मिट जाते हैं, सारे दोष। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देव अधिदेव महादेव, करुणा करने वाला, अपना खुद का एक बहुत सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है, पुष्प दंत की कथा। गंधर्व था, इंद्रलोक में इंद्र की सभा में बैठकर गायन करता था, कविता पाठ करता था, भजन करता था, कीर्तन करता था, स्मरण करता था, गायन में लगा रहता था। एक बार उसके मन में आया कि पृथ्वी पर मैं जरा भ्रमण कर कर आता हूं, पृथ्वी घूम कर आता हूं, और पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए वो गया। फूल पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा है। फूल चढ़ाने से पहले फूल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए। फूल चढ़ाने से पहले कौन से पुष्प आप देने जा रहे हो, वो फूल कहां से लेकर आए हो, उसका तरीका आना चाहिए। भले आपके पास में पुष्प नहीं है, आपने मंदिर कई पुष्प चढ़ाया, तो उसका भी तरीका आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप नए नए भजन का निर्माण करोगे, आप दूसरे का भी अगर भजन गा रहे हो तो उसको भी गाने का तरीका होना चाहिए। पुष्प दंत गंधर्व है और गंधर्व के साथ में उसको वर प्राप्त है कि ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, और ये कुछ भी कार्य करेगा तो लोगों को दिखेगा नहीं, इसकी वाणी नहीं दिखे सुनाई नहीं देगी, इसके शब्द नहीं सुनाई देंगे, ये सामने दिखेगा नहीं। ये पुष्प दंत गंधर्व की कथा है। बैस या तो कम कर दो या चुंगे जैसी आवाज आ रही है उसको सेट करो ना, बार बार बोल रहे हैं उसको। पुष्प दंत गंधर्व पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया,
और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए पुष्पदंत गंधर्व आता है, पुष्पदंत गंधर्व जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा होता है, भ्रमण करते करते इसकी एक आदत थी भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर का भजन करना, भगवान शंकर का स्मरण करना, शिव जी की आराधना करना, शिवलिंग की पूजन करना। अब पुष्पदंत गंधर्व ने विचार करा कि मैं पृथ्वी पर आ गया हूं, क्यों ना यहां शंकर के शिवलिंग का निर्माण करूं और उसका पूजन करूं। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पुष्पदंत गंधर्व करने लगा। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करता, कहीं से फूल पत्ती मिल जाते समर्पित कर देता। एक बार उसके मन में आया कि चलो जरा मैं भ्रमण कर कर आता हूं। भ्रमण करते 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 राजा चित्ररथ के सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में पहुंच गए। कभी कभी आप भी जाते जाते रास्ते में किसी का पौधा देख लेते हो, किसी का पेड़ देख लेते हो, किसी का बगीचा देख लेते हो, किसी की वस्तु देख लेते हो, आपके भीतर भी वो भाव जागृत हो जाता है कि ये अच्छा फूल है, मैं भगवान के लिए तोड़ लेती हूँ। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लाल कलर का वो फूल होता है ना, तो लोग किसी के भी पेड़ से, किसी के भी बगीचे से, किसी के यहाँ से भी तोड़ कर ले आते हैं, देवी जी को चढ़ा देते हैं, बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके खुश होके। तुम सोचती हो कि देवी मैया प्रसन्न हो गई, देवी जी कह रही है अरे यो चोटी, बताओ दूसरे के घर का चुरा कर लिया, दूसरे के घर का उठा कर लिया, दूसरे का सामान लेकर आ गई और चढ़ा कर कर रही है कि मैंने भगवान का पूजन कर दिया, भगवान की आराधना कर दी, भगवान की सेवा कर दी। जिसे अपने घर का एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जा। वो आज्ञा दे लेकर जा। आज्ञा होने के बाद में फूल शिवजी को चढ़ा रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता, नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण, वायु पुराण का शब्द कह रहा है भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते लेकर आते। और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता, पुष्प को पानी में धोते नहीं, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा बताओ, हम स्नान करे नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कर रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं
और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं, तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं, ये वायु पुराण वर्णन कर, ना जाने कितने कितने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं, ये वायु पुराण कर, ये वायु पुराण। अब पुष्पानंत गए, देखते देखते चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। अब चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर, बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर, देखकर मन में उमंग आ गई कि मुझे इसमें से पुष्प तोड़ना। राजा चित्ररथ के बगीचे में प्रवेश कर गए, बिना पूछे, बिना जाने, बिना बात करे, बस बगीचे में गए और फूल तोड़कर, पत्तियां तोड़कर लेकर आ गए और लाकर उन्होंने भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ। पंद्रह दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए। एक बार राजा चित्ररथ भगवान का पूजन करने के लिए बैठे और भगवान का पूजन करते करते राजा चित्ररथ ने कहा, चलो बगीचे से फूल लेकर जाओ जरा। अब माली गए, जो सेवक थे वो बगीचे पहुंचे और बगीचे से पुष्प लेकर आने लगे। बगीचे से जब पुष्प लेकर आए तो बगीचे में जाकर क्या देखते हैं कि वहां तो एक भी पुष्प नहीं है, सारे पुष्प टूट चुके, कोई ले जा चुका। कोई बात नहीं, टूट कर नीचे गिर गए होंगे। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ, रोज बगीचे से फूल गायब हो जाते हैं, रोज बगीचे से फूल समाप्त हो जाते हैं और वो फूल मिल नहीं पाते हैं। बड़ा दुखी होते हैं राजा। आज राजा को क्रोध आ गया, आखिर बगीचे में से फूल चुरा कौन रहा, पता नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं, बहुत प्रयास करा पर मिलता नहीं। दूसरे दिन दूतों को बगीचे में चुपचाप से बिठा दिया गया, पर पुष्पदंत गंधर्व को तो वर मिला हुआ था, पुष्पदंत गंधर्व को तो को आशीर्वाद मिला हुआ था कि ये दिखेगा नहीं, इसकी वाणी सुनाई नहीं देगी, इसके चलने पर इसके कदम की आवाज नहीं आएगी, इसको तो वर था। ना तो वाणी सुनाई दे रही है, ना कदम चलते हुए दिख रहे हैं, ना ये दिख रहा, और फूल टूट गए ले गए। राजा को क्रोध आ गया। चित्ररथ राजा ने विचार करा कि मेरे यहां से रोज फूल जा रहे हैं, पकड़ाई में नहीं आ रहा, तो करूं क्या, करूं क्या। राजा चित्ररथ भी शिवजी की उपासना करता था, भगवान शंकर का भजन करता था, शिवजी की आराधना में डूबा रहता था। आज उसने विचार करा, शंकर जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य बेलपत्र उठाया जाए और शिव जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाकर, बेलपत्र उठाकर बगीचे के आसपास में डाल दिया जाए। लोग समझते नहीं है, मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए, लांगते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शु महापुराण की दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि कोई बड़ा रोग अपने जीवन में नहीं चाहते हो, इस मुख को जिंदगी भर शुद्ध चाहते हो और इस मुख में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक, भगवान के पड़े हुए निर्माल्य पर कभी लांगा ना जाए। दूसरा, अपने मुख में पान खाकर, गुटखा खाकर या कोई वस्तु खाकर जो मंदिर के लिए रास्ता जा रहा हो, भगवान की कथा के लिए रास्ता जा रहा हो,
भगवान के द्वार पर रास्ता जा रहा हो वहां अपने मुख से थूका ना जाए। जितने लोग पार कर कर जाते हैं उतना दोष आपको लग जाता है और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। बीच पथ पर जिस मार्ग से भगवान शंकर का शिवालय जा रहे हो, जिस मार्ग से भगवान के मंदिर जा रहे हो, जिस मार्ग से अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक लोटा जल लेकर भी अगर भगवान के मंदिर जा रहा है, उस मार्ग पर, बीच मार्ग पर अगर कोई थूकता है और उस थूक को जितनी बार लोग लांग कर मंदिर के द्वार तक जाते हैं उतना उतना रोग इस शरीर के अंदर बढ़ता चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पहले के समय में, आज के लोगों को तो स्मरण है कि नहीं है, पहले तो थूकने के लिए भी एक पीक दान होता था जिसमें थूका जाता था। आज के जमाने में तो आदमी पूरी पृथ्वी को पीक दान बना कर रखा है, जहां मर्जी पड़ती है वहां थूक देता है। ये श्रेष्ठता नहीं है हमारे, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, ये वसुंधरा, ये भूमि माता, ये पृथ्वी माता, जिसकी गोद में हम पाल पोष कर बड़े हुए हैं, जिसका दिया हुआ अन्न हम पा रहे हैं, जिसके आनंदमय आशीर्वाद से हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इस पृथ्वी को भी नमन करना चाहिए, नमन प्रणाम करना चाहिए। हम हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कहते हैं, जिसकी बंजर भूमि पड़ी हो, जिसमें अनाज भी नहीं होता हो, बहुत मेहनत कर ली है, उस भूमि में कुछ नहीं होता, लोगों ने कह दिया इस भूमि में कुछ नहीं होता, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, ये जमीन बेकार है, आपसे निवेदन करना चाहेंगे किसी मंदिर का निर्माल्य जो शिवजी पर चढ़ा हो, इकट्ठा हो गया हो, उस मंदिर के निर्माल्य को एकाग्रित कर लो, डलिया में भर लो और पूरे पूरे भूमि पर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उस पूरी जमीन पर आप उस निर्माल्य के खाद को थोड़ी थोड़ी दूर पर इतना इतना खड्डा खोद कर बाबा के उस निर्माल्य को डालना प्रारंभ करिए। क्यों? क्योंकि उससे भूमि की उपज देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसको रखो, डालो, सभी जगह पर नहीं, कुछ स्थान चिन्हित कर लो कि हाँ ये बमूल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया, ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैंने रख दिया। उस निर्माल्य का एक बाबा से निवेदन कर कर, बाबा बस आपको लेकर जा रहा हूं, ये समझो कि आप मेरी भूमि को उपजाऊ आप बना सकते हो, मेरे जीवन को धन्य आप बना सकते हो। उससे दो फायदे होंगे, क्या? एक, निर्माल्य जो इकट्ठा होता है लोग उसको ले जाकर नदी में डाल देते हैं, नदी में डाल देने से नदी दूषित हो जाती है, नदी में प्रदूषण हो जाता है, तो वो निर्माल्य जब आप जमीन में ले जाकर गाड़ोगे, डालोगे, तो नदी भी शुद्ध होगी और भूमि में भी उसकी खाद बनकर उस भूमि पर भी उसका शुद्धता का भाव जागृत होगा। अब करो, उस हर कहीं थूक देना, हर कहीं पर पान खाकर थूक दिया, तंबाकू खाकर थूक दिया, कहीं पर भी तुम्हारा मन पड़ा और तुमने पिचकारी, ना 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 ना, शिव पुराण कर रही है उससे हमें दोष लगता है। उस दोष का वर्णन कई लोग कहते हैं, ये तो कुछ खाता ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसको ऐसी बीमारी हो गई, इसको ऐसा रोग हो गया, कहां से हो गया, कारण क्या है, ये रोग आया कहां से? हो सकता है इसकी आदत में था, घर से निकलता था, कहीं देवालय शिवालय पड़ता था, ध्यान नहीं दे पाता था, थूक दिया, उस पे से निकल कर लोग जाते रहे, मंदिर पहुंचते रहे, उसका दोष जिंदगी में आ जाता है, वो दोष। पहले के समय में गांव के लोग तो आज भी जानते होंगे कि पहले पीक दान चलता था, आप लोगों के स्मरण में होगा, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, छोटा सा रहता था, उसमें लोग थूक देते थे, उसमें लोग कुल्ला कर देते थे, पर यहां वहां लोग नहीं थूकते थे, पर चला, अब लोगों ने दो चीजें स्मरण में रहे, कोटेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ
महाकाल बाबा का दर्शन करने जाओ, ओंकारेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जिस शिवालय में दर्शन करने जाओ, जिस मंदिर में दर्शन करने जाओ, उस मंदिर में अगर कोई बेलपत्री नम जमीन पर पड़ी है, कोई फूल पड़ा है, आप दर्शन करने आए हो ना, उसको उठाकर किसी एक कोने में किसी एक जगह पर ले जाकर पटक दो। कहीं थोड़ा सा भी अगर पुष्प और निर्माल्य रस्ते में पड़ा है, उसको कोई लांगेगा, उसका दोष हमको लगेगा, इसलिए उसको उठाकर कहीं एक और रख दिया जाए। रख दो, हम तो यहां तक कहते हैं किसी मंदिर में पुजारी जी बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कोई आया दर्शन करने के लिए, आप भगवान की बेलपत्र, भगवान का पुष्प उसी को दो जो आपसे मांग रहा। कई बार विद्वज्जन उस फूल को, उस बेलपत्री को उठाकर उसको दे देते हैं जो उसका मोल नहीं समझता, और बाद में उसको ले जाकर कहीं पटक देता है, उसमें उसकी प्रधानता नहीं, उसकी प्रधानता नहीं। ये शिव महापुराण की कथा अगर आज कोटेश्वर में हो रही है, आदरणीय ठाकुर साहब श्री शरद सिंह सिसोदिया जी अगर इसको करा रहे हैं, तो उनका मूल उद्देश्य क्या है? इस शिव कथा में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान पकड़कर खींचकर बुला लेते हैं। मूलता है कि इस कथा के माध्यम से जन जन का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का उद्धार, संपूर्ण जगत का कल्याण। कल कोई कह रहा था, गुरुजी ये कथा क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य से हो रही है? हमने उनसे कहा, राजनीतिक उद्देश्य से होती होती अगर ये शिव पुराण की कथा, तो कोटेश्वर जैसे जंगल में नहीं होती, कहीं के शहर में होती, जिससे और आनंद की अनुभूति। ये बाबा कोटेश्वर के चरणों में हो रही है, ये भाव है। हम तो ठाकुर साहब शरद सिंह जी सिसोदिया जी को और उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे जो शिव पुराण को आप कोटेश्वर तक लेकर आए। आज ये कोटेश्वर का मंदिर, कोटेश्वर धाम आज पूरे विश्व में कम से कम प्रसिद्धि तो पा रहा है कि कोटेश्वर भी कोई धाम है जहां शंकर आनंद के साथ विराजमान। प्रेरणा तो मिली है। आज सब जगह पर, हर जगह पर लोग किसी ना किसी रूप में धार्मिक क्षेत्र को प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं। सिसोदिया जी आपको धन्यवाद जो आप इस कोटेश्वर क्षेत्र को इस कथा के माध्यम से प्रगति की ओर लेकर जा रहे हैं, उसके लिए साधुवाद, साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा जीवन का एक आनंद तत्व, जीवन का एक लक्ष्य तत्व। पुष्पदन निर्माल्य चारों तरफ, देखो निर्माल्य भी दो चीजों में कार्य कर जाता है, एक रक्षा के लिए, एक अपने कार्य की सफलता के लिए। कोई बड़ी बीमारी होने पर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम उठाकर लाते हैं, उसको खाते हैं, वो औषधि का कार्य कर जाती है, करती कि नहीं करती? पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम विनीता अजय शेलार, गांव ढोलाना, तहसील बदनावर, जिला धार से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। अच्छा इधर है क्या, हाथ हिला दो सर। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम विनीता अजय शिलार गांव ढोलना, तहसील बदनावर, जिला धार से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी एक बेटी है जो मुझे ऑपरेशन से हुई थी, उसके बाद में संतान का सुख रुका। घर के लोग कहने लगे कि इसको तो कभी संतान होगी नहीं, पुत्र होगा नहीं, लोग ताने पर ताना देते रहे। गुरुदेव मैंने भी आपकी कथा शिव तत्व की प्राप्ति है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है ओ घड़ी। एक पत्र हो रहे बड़ा भाव से आनंद से निकला। दोनों हाथ ला दो दीदी। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं निर्मला शंकरलाल दुबे गांव राजोद जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव शंकर भगवान का क्या वर्णन करूं, 2019 में हम दोनों पति पत्नी को कोरोना हो गया, बाबा की कृपा से बचे हैं। गुरुदेव गुरुदेव मेरी चार बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की शादी को कई साल हो गए थे, हर साल सोचते थे कि इसको संतान हो जाए। कुएं में, जिस बावड़ी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाए, हम निवेदन करना चाहेंगे वहां उस बोर के आसपास, उस कुएं के आसपास, उस बावड़ी के आसपास बेलपत्री के कुछ पौधे लगाना चालू कर दो। धीरे धीरे मेरा महादेव पार्वती से मिलने के लिए आएगा तो गंगा को साथ में लेकर आ जाए, अपने आप आए। अब प्रयास करिए, अभी तो खैर गर्मी है पर बारिश में प्रयास करना। तुम्हें लग रहा है ये बोर सूख जाता है, बारिश में रहता है, ठंड में पानी रहता है पर गर्मी में सूख जाता है। उसके पास में आप बेलपत्री के पौधे लगाना चालू करो, थोड़ी थोड़ी दूर में बेलपत्री के वृक्षा का रोपण करना प्रारंभ करें। मेरा महादेव जिस जगह पर बेलपत्री का पौधा होता है, वृक्ष होता है, वहां मेरा शिव पार्वती जी से मिलने के लिए आता है। और मेरा महादेव अकेला नहीं आता, उसके सिर पर गंगा विराजमान होकर आती है, तो गंगा वहां रहती है, गंगा वहां विराजमान रहती है। अब करो शिव तत्व को जाने। पुष्प दंत पकड़ाई में नहीं आ रहा था तब उसी समय पर चित्ररथ ने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को छाट कर निकलवाया और चारों तरफ बगीचे के जो द्वार थे उन द्वारों के सामने देहली पर वो बेलपत्र रख दी। और बेलपत्र रखी और चित्ररथ ने कह दी अब तुम चिंता मत करो, अब वो पकड़ा जाएगा। और पुष्पदंत वापिस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गया, जाते ही बेलपत्री पर उसका पांव रखाया, किसी को आवाज नहीं आई, पुष्पदंत दिखाई नहीं दिया। और अंदर जब प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही बस देव अधिदेव महादेव कैलाश पर विराजमान थे और उनको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, गुस्से में आकर भगवान ने श्राप दे दिया। पुष्पदंत कोई साधारण सा व्यक्ति होता जो मेरे निर्माल्य को लांग कर जाता है, मैं उसको छोड़ता नहीं, पर तू मेरा भजन करने वाला, तू मेरा स्मरण करने वाला, तू जानता है कि निर्माल्य की महत्वता क्या है, शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है, शिव जी पे चढ़े हुए एक बेलपत्र की महत्वता क्या है, शंकर पर चढ़े हुए नैवेद्य की महत्वता क्या है। कितना कितना शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के गीता प्रेस गोरखपुर की अगर आपके पास में शिव पुराण हो तो उसकी विद्येश्वर संहिता के 75 नंबर पेज को निकालना, 75 नंबर पृष्ठ को निकालना, 75 नंबर पेज को निकाल कर पढ़ना। उसमें लिखा है शंकर भगवान की पूजा नारी हो पुरुष हो
बच्चे हो, कन्या हो, स्त्री हो, वो जिस भाव से शिवलिंग की पूजन करती है, स्पर्श करती है, आराधना करती है, उसका जो मन में भाव प्रकट होता है, भगवान देव अदिति महादेव वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव पूरा कर देते हैं। जो शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल जो आचमन कर लेता है, शरीर में कितने भी रोग हो रहे हो, वो रोग धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं। समाप्त।